नमस्कार, मैं ओम प्रकाश बात करूंगा जेट इंजन फैक्ट्री के अंदर में कैसे बनाया जाता है, आइए जानते हैं। एरोप्लेन जितना बड़ा होता है उनमें उतना ही बड़ा और पावरफुल इंजन भी होता है। जेट इंजन का उपयोग एरोप्लेन, रॉकेट, मिसाइल इत्यादि में किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इतना बड़ा इंजन फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? शायद नहीं जानते होंगे, तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फैक्ट्री में जेट इंजन को कैसे बनाया जाता है। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जेट इंजन काम कैसे करता है, तो मैं आपको बताता हूँ। कंप्रेसर की हेल्प से हवा और ईंधन को मिक्स की जाती है, जिससे ऑक्सीजन और फ्यूल के संपर्क में आने से जलने लगती है, जिससे बहुत गर्म हवा प्रोडक्शन होता है, जिससे कोई भी एरोप्लेन आगे की ओर बढ़ने लगती है। आइए अब आते हैं मेन मुद्दे पर, जेट इंजन बनता कैसे है। इसे बनाने के लिए टाइटेनियम और एल्युमिनियम का एलॉय का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह मेटल ज़्यादा हीट यानी टेम्परेचर को झेल सकता है। आप जान के चौंक जाइएगा, क्योंकि इसे बनाने में सालों का समय लगता है, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे पार्ट पुर्जे को यूज की जाती है। इस इंजन में सबसे पहले पंखे और ब्लेड बनाया जाता है, जो कि कंप्रेसर और एग्जॉस्ट का काम करती है। इस प्रोसेस के बाद कंप्रेसर डिस्क को बनाया जाता है, जो कि बिजली पैदा करने का काम करती है। इस कंप्रेसर ब्लेड के ठीक पीछे मजबूती से लगाया जाता है, ताकि टर्बाइन घूमे और बिजली पैदा हो सके। इस बिजली का उपयोग एरोप्लेन के अन्य लाइट या डिवाइस को चलाने के लिए किया जाता है। इस धातु को एलॉय मेटल से बनाया जाता है, फिर गर्म किया जाता है और फिर वापस ठंडा भी किया जाता है। इस फुल प्रोसेस के बाद इग्निशन चैम्बर को बनाया जाता है, यानी दहन कक्ष, क्योंकि टाइटेनियम से बना सबसे बाहर वाला भाग होता है, जो कि ब्लेड और कंप्रेसर डिस्क को ढकता है। इस प्रोसेस के बाद अब अंदर छोटे छोटे डिस्क और गियर को असेंबल किया जाता है और सभी अलग अलग पार्ट को जोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया के बाद टर्बाइन को फिट किया जाता है, जो कि बिजली प्रोड्यूस करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। इस प्रोसेस के बाद पुनः मशीन के द्वारा जाँच किया जाता है। सब कुछ सही होने पर विमान निर्माता को भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से फैक्ट्री के अंदर में जेट इंजन को बनाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद।